Welcome to Easy Physics. All physics and mathematics is based on assumptions. यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी physics और mathematics पूरी तरह से सच कह के यही सच है, बल्कि ये मानना होता है कि assumptions होता है. लेकिन ये जो मानना होता है ये ऐसे ही नहीं होता, बल्कि उन observations पर, यानी जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं, परिघटनाएँ जो होती हैं दुनिया में, और जो परिघटनाएँ जो ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं उसको देखने के लिए क्या है और क्या नहीं है, तो वो परिघटना, वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट उस चीज़ को एविडेंस देते हैं और प्रूफ करते हैं, लेकिन वो ट्रुथ नहीं हो जाता है. इट्स नॉट ट्रुथ, इट्स नॉट वैलिड, वैलिडिटी को नहीं बताता है. हाँ, उसके प्रूफ को बताता है, बट इट्स नॉट वैलिडिटी को नहीं बताता है. इट्स नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, वी कैन नॉट से इट. यही वो चीज़ होती है जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, या एक्सियम कहते हैं, या एक पोस्टुलेट कहते हैं. उन्हीं बातों को और उनको डिज़ाइन करना एक मॉडल में, मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल मॉडल में, उसको मॉडलिंग कहते हैं या मॉडल्स कहते हैं. ये सब चीज़ एजम्पशंस पर बेस्ड हैं. इट्स ऑल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस. अब हम समझते हैं कि उन एजम्पशंस में ये जो तीनों वर्ड हैं, यानी हाइपोथेसिस, एक्सियम, पोस्टुलेट्स, ये लगभग तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन बहुत बारीक फ़र्क है, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं. You cannot understand it very clearly by looking at, because it's not your level to understand. But let I have put it is very clearly. A hypothesis is a supposition. यानि कि माना है. Hypothesis यानी परिकल्पना. Hypothesis मैंने कल्पना किया. Hypothesize is मानो कि एक कल्पना करो. जैसे हम कहते हैं ना, माना कि मैथ में, या कहते हैं कल्पना कीजिए कि आपकी बैग चोरी होगी. So we say that like. तो इट इज़ अ सपोजिशन, सपोज डैट मैथ में आता है ना हमेशा. तो इट इज़ हाइपोथेसिस, इज सपोज डैट इन योर माइंड कीप डैट थिंग, यानी कि सोचो दिमाग में वो बात, ठीक है. बट सपोजिशन विदाउट अज्यूमिंग डैट इट इज़ ट्रू और नॉट, बिना इस चीज़ को माने कि वो गलत है या सही. जैसा कि जब पुलिस या केस किसी पर चलता है, कोर्ट एविक्ट करती है, तो पहले जो ट्रायल चलता है तो उसमें साबित नहीं होता है कि वो गलत है सही. हालांकि ट्रायल चलाए जाते हैं बिना ये माने कि वो गुनहगार है या फिर वो सही पे है, समझ रहे हो. तो इट इज़ सेम लाइक डैट, विदाउट अज्यूमिंग, बिना माने कि वो सही है, उसको सपोज करना कि लेट माना कि ये सपोजिशन जो होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी को हाइपोथेसिस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूटन साहब ने देखा कि सेब गिर रहा है, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंटली भी देख रहे हैं कि चीज़ों के गिरा के कि गिर रही है, नीचे गिर रही है, एंड दैट एवरी, और ये चीज़ पूरी हर जगह हो रही है कि एक ग्रहों के आप लेवल पर चले जाएँ, आप छोटे लेवल पर चले जाएं एटॉमिक, या बड़े लेवल पर चले जाएं, या बीच में रहें, किसी भी लेवल पर ये फिनोमेना हर जगह ऑब्जर्व हो रहे हैं और उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है. तो एक ऐसा जवाब हो जो सारे फिनोमेना को एक बार में बता सके. तो न्यूटन साहब की जो ग्रेविटी लॉ थी, उन्होंने ये बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जितने भी पिंड हैं जिनको कहें, यानी एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ये जो इन्होंने एक ग्रेविटी का जो लॉ दिया, ये एक पॉस्टुलेट, ये एक हाइपोथेसिस है. न्यूटन साहब उन्होंने बहुत जीनियस आदमी थे, उन्होंने ये जीनियस को ऐसे ऑब्जर्व कर लिया और देख लिया और उसको एक लॉ दे दिया उन्होंने, दैट ही प्रपोज दैट थ्योरी एंड थियोरेटिकल मॉडल एक तैयार करके बता दिया है ना, एक थियोरेटिकल मॉडल तैयार करके, और एक उसका मैथमेटिकल मॉडल भी दे दिया कि एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो दोनों का मास के मल्टीप्लाइड होती है प्रोपोर्शनली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनके विड्थ क्रमानुपाती होता है, दोनों के रेडियस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है ना, यानी कि दोनों के बीच जो दूरी है उसके वर्ग के विड्थ क्रमानुपाती होता है. So this was the hypothesis proposed by the Newton. You cannot say it is valid or proved. ये कहना गलत है जो कि हम समझते हैं कि ये प्रूव कर रहे हैं, बल्कि या इट इज़ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. ऑब्जर्वेशन आर सेइंग दैट दिस ग्रेविटी लॉ एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड इट इज़ पूरी दुनिया में एक ही तरह से, बट यू कैनॉट से इट इज़ राइट और रॉन्ग. ओके, अंडरस्टैंड. क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये इट इज़ हाइपोथेसिस विदाउट अज्यूमिंग दैट, एक सच्चाई है जो कि हमें समझना चाहिए. सेकंड बात है, एक्सियम क्या होती है? एक्सियम इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ. यानी कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आपने मेरी डिग्री नहीं देखी है कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट दिस इज अ सेल्फ एविडेंट दैट व्हेन आई एम टीचिंग द फिजिक्स आई एम अ फिजिक्स स्पेशलिस्ट.
और व्हेन आई एम डिजाइनिंग अ इलेक्ट्रिकल मॉडल आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. ओके सो एक्सिम इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ. यानी इक्लिड साहब की बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि उन्होंने कि इक्लिड स्टेटमेंट दैट टू पॉइंट्स व्हेन वी मीट दैट टेक दिस मीट दिस टू पॉइंट इट मेक्स अ लाइन. दो बिंदुओं को मिलाते हैं एक लाइन बनती है. या एक बिंदु को सेंटर पर रखे दूसरे बिंदु घुमाए उतनी दूरी पर चारों तरफ तो एक सर्किल बनता है. या दो पैरेलल लाइन होती है कभी मीट नहीं करती, मिलती नहीं. इट इज़ ऑल्सो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ इन एक्सियम. लेकिन ये एक्सियम भी एक यू कैनॉट से प्रूव आई कैनॉट से डैट ये ट्रूथ हम बता रहे हैं बिकॉज क्योंकि आपने बनाया नहीं इन चीज़ों को और ना आप एक्सटेंट तक ऑब्जर्व किया. आपने ऑब्जर्व किया है लेकिन अपने एक्सटेंट तक. सो योर हाइपोथेसिस एंड सपोजिशन योर एक्सटेंट यू हैव एक्सटेंट यू कैनॉट से इट इज ट्रू बट यू कैन से या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. एक्सपेरिमेंटली सही है. जैसे इक्लिड्स आपके थर्ड नंबर में जो कि पोस्टुलेट्स किसको कहते हैं, थोड़ा सा अंतर बारी की कि ये एक एजम्पशन है किसी थ्योरेटिकल मॉडल के द्वारा उसको किसी भी चीज़ को एक जो हो रहा है उसको बता देना कुछ वो उन थ्योरेटिकल मॉडल में पिरो देना ताकि हम उसका जवाब दे सकें उस चीज़ का. यानी कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल में बहुत इंपॉर्टेंट में आते हैं. बोर साहब ने एटॉमिक मॉडल दिया कि एटम ऐसा होता है कि बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई में होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्पिन करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे ऐसे रहता है. पूरा एक मॉडल दिया बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम. वो जो मॉडल दिया उन्होंने थ्योरेटिकल मॉडल दिया जो एटम का यानी मॉडलिंग की उन्होंने एटम की थ्योरेटिकल मॉडलिंग की मॉडल दिया वो मॉडल एक पोस्ट और उसको जो एक्सप्लेन किया है उस मॉडल को दैट एक्सप्लेनेशन इज अ पोस्टुलेट. सेकेंड एग्जाम्पल आइंस्टीन साहब ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी. स्पेशल थ्योरी में हम आते हैं. उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है. उन्होंने देखा लाइट या ऑब्जर्वेशंस चारों तरफ के ऑब्जर्वेशन यही बता रहे हैं कि लाइट कांस्टेंट क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं होती. तो यहाँ पर अगर मैं बत्ती जलाता तो उतनी स्पीड से नहीं गुजरती जितना वहाँ गुजरती है, हर जगह एक ही स्पीड लगता है. तो इससे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट. सेकंड उन्होंने कहा कि नियम जो होते हैं कि नेचुरल लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो हर जगह वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में. यानी कि इनर्शियल रुका हुआ जो फ्रेम है सिंपल भाषा. यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको धक्का दे रहा हूँ तो ये मोशन में आ रहा है, फोर्स दे रहा हूँ तो एक्सेलरेट हो रहा है. तो वो अमेरिका में भी एक्सेलरेट होगा, समुंदर के नीचे भी हो रहा है, ऊपर आसमान में भी हो रहा है. तो इट इज़ वैलिड ऑल ओवर. ये सेकेंड टू लॉ पोस्टुलेट्स है ये आइंस्टीन साहब के. तो ये पोस्टुलेट क्या थे, बता रहे थे कि एक मॉडल तैयार एक थ्योरेटिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे थे दुनिया को या किसी ऑब्जर्वेशन को या फिनोमेना को. जैसे कि बोर साहब ने एटॉमिक मॉडल के एक्सप्लेन किया, उससे पहले एटम का नहीं पता था कैसा एटम होता है या दूसरा मॉडल था नहीं, दूसरी बात थी, व्याख्या थी एटम की. उन्हें एक नई व्याख्या दी कि एटम क्या होती है. दैट वॉज हिज पोस्टुलेट. ओके आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इजी फिजिक्स क्लासेज. आई एम इंजीनियर सैम. आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फिजिकल स्पेशलिस्ट. होप यू विल बी मीटिंग सून. थैंक यू.